आज हम एनवायरमेंटल स्टडी पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर है 4 गेम्स वी प्ले। गेम्स क्या मीन्स खेल, वी प्ले मीन्स जो हम खेलते हैं। आज हम खेलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से खेल होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटीज़। जो खेल होते हैं वो न सिर्फ शारीरिक बल्कि हमारे मानसिक विकास को भी करते हैं, अच्छे से उनमें वृद्धि करते हैं, हमारे एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। दे कीप अस एक्टिव, वो हमें चुस्त रखते हैं। जो बच्चे गेम नहीं खेलते बिल्कुल वो सुस्त रहते हैं, और जो बच्चे गेम खेलते हैं वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं। एंड फिट, वो फिट भी रहते हैं शारीरिक रूप से। दे आर हेल्पफुल इन आवर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स विकास। जो खेल होते हैं वो किस चीज़ में मददगार हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के ही विकास में मददगार होते हैं। बच्चों के लिए गेम खेलना बहुत ही ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ये उनके शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को ही अच्छे से वृद्धि करता है उनमें। दे रिफ्रेश अवर माइंड, जो खेल होते हैं हमारे दिमाग को रिफ्रेश करते हैं, ताज़ा करते हैं दोबारा से। एंड बॉडी और शरीर को। एंड फिल अस विद न्यू वाइगर एंड एनर्जी, और हमें वो नई ऊर्जा से भर देते हैं। वी यूजुअली प्ले गेम्स फॉर फन। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए गेम खेलते हैं। बट दे ऑल्सो प्रोवाइड एक्साइटमेंट चैलेंज एंड रिलैक्सेशन। लेकिन इससे हमें क्या चीज़ और मिलती है, एक्साइटमेंट उत्साह, हमारे अंदर एक नया उत्साह आता है। चैलेंज, हमारे अंदर एक चैलेंज आता है। जैसे जब हम खेलते हैं तो बच्चे आपस में ये सोचते हैं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं जीत जाऊं, तो एक चैलेंज की भावना उनमें विकसित होती है। एंड रिलैक्सेशन, वो अपने आप को थोड़ा आरामदायक महसूस करते हैं खेलने के बाद। टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम कितने तरह के होते हैं। वी प्ले टू टाइप्स ऑफ गेम्स, हम दो तरह के गेम खेलते हैं। आउटडोर गेम्स जो बाहर खेले जाते हैं, एंड इंडोर गेम्स जो अंदर खेले जाते हैं। इन आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन द प्लेग्राउंड, वाइल इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस और इन कवर्ड स्पेसेस। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, जो घर से के बाहर खेले जाते हैं, या मैदान में, प्लेग्राउंड में, या खेतों में, मतलब खुले में जो खेले जाते हैं वो होते हैं आउटडोर गेम्स। और जो घर के अंदर या किसी छोटी जगह के अंदर, कवर प्लेस के अंदर, जो एरिया पूरा कवर हो वो खेले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंडोर गेम्स। सबसे पहले आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन प्ले मैनी टाइप्स ऑफ आउटडोर गेम्स, बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरह के आउटडोर गेम्स खेलते हैं। क्रिकेट इज़ द फेवरेट आउटडोर गेम ऑफ बॉयज़, जो लड़के हैं उनका सबसे मनपसंद खेल कौन सा होता है, क्रिकेट। एंड बैडमिंटन इज़ द फेवरेट गेम ऑफ गर्ल्स, और लड़कियों का कौन सा होता है, बैडमिंटन। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस एट्सेट्रा आर सम अदर आउटडोर गेम्स। फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी और टेनिस, ये क्या हैं, ये भी बाहर खेले जाने वाले गेम हैं। ये देखिए इनमें से ये वाला गेम कौन सा है, बास्केटबॉल, ये फुटबॉल, ये क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, इन समर, गर्मियों में चिल्ड्रन इन्जॉय स्विमिंग, गर्मियों में बच्चे तैराकी करना भी पसंद करते हैं। स्केटिंग इज आल्सो बिकमिंग पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, और जो स्केटिंग होता है, जो पैरों में स्केटर लगा के बच्चे चलते हैं, खेलते हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों के बीच में। ट्रेडिशनल आउटडोर गेम्स, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, जो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, हमारी परंपरा से जो गेम पहले से जो चले आ रहे हैं। देयर आर सम ट्रेडिशनल आउटडोर गेम्स, हमारे यहाँ बहुत सारे पारंपरिक आउटडोर गेम्स हैं बाहर खेले जाने वाले। ऑल्सो लाइक कबड्डी, जैसे कबड्डी है जो बहुत पहले से खेला जाने वाला गेम है, ये देखिए ये वाला गेम है कबड्डी। खो खो एक गेम होता है, खो खो ये भी ट्रेडिशनल गेम है। गिल्ली डंडा, लुक्का छिपी मींस हाइड एंड सीक, लंगड़ी टांग, कंचे, कंचे जो उससे खेलते हैं बच्चे, इकरी डुकरी और
हॉपस्कॉच. वी ऑल्सो कॉल देम फोक गेम्स. और इन सारे गेम को जो ट्रेडिशनल गेम है इनको हम क्या कहते हैं, फोक गेम्स. मीन्स इन फोक मीन्स लोक, जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं, ग्रामीण खेल, हमारे पारंपरिक खेल. नेक्स्ट है इंडोर गेम्स, जो घर के अंदर खेले जाते हैं. द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द होम और इन ए कवर्ड प्लेस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. जो घर के अंदर खेले जाते हैं या किसी एक कवर एरिया में खेले जाते हैं वो इंडोर गेम्स होते हैं. व्हेन इट इज़ टू हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और रेनिंग या बाहर बारिश हो रही होती है, वी डो नॉट गो टू प्ले आउटसाइड, तो हम बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए. देन वी कैन प्ले इंडोर गेम्स, तो ऐसी हालत में क्या करते हैं हम लोग, इंडोर गेम्स खेलते हैं. लूडो, कैरम, स्नेक्स एंड लैडर. स्नेक्स एंड लैडर मीन्स सांप सीढ़ी जो खेल होता है. चेस, चेस शतरंज. कार्ड्स, कार्ड्स जो आप कार्ड्स खेलते हैं, ताश वो. और सम इंडोर गेम्स, ये लूडो, चेस, ये सारे क्या हैं, इंडोर गेम्स. नाउ ए डेज चिल्ड्रन मोस्टली इंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स. आजकल जो बच्चे हैं वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलने लगे हैं, बहुत पसंद करने लगे हैं इनको. बट डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स फॉर लॉन्ग, लेकिन वीडियो गेम को ज़्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए. यूअर आई साइट में बिकम वीक, क्योंकि जो आपकी आँखें हैं वो इससे कमज़ोर हो सकती हैं ज़्यादा देखने से, ज़्यादा खेलने से. वन अदर इंडोर गेम इज़ एटलस, एक अंदर खेले जाने वाले गेम कौन सा है, एटलस. एटलस गेम क्या होता है, इन दिस गेम वन ऑफ द प्लेयर्स कॉल्स आउट द नेम ऑफ ए प्लेस एंड द अदर्स हैव टू फाइंड इट इन द एटलस. इसमें दो प्लेयर होते हैं, उसमें जो एक प्लेयर होता है वो किसी जगह का नाम बोलेगा, तो दूसरा प्लेयर क्या करेगा, उस जगह को किस चीज़ में ढूंढेगा, एटलस में. एटलस क्या चीज़ होती है, एन एटलस इज ए बुक ऑफ मैप्स, ये नक्शों की बुक होती है. मैप मीन्स नक्शे, उसमें नक्शा होता है पूरा, डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, संसार के सारे जगह का, अलग अलग जगह का उसमें नक्शा होता है. तो वो जो दूसरा पर्सन है वो उसमें से उसको, उस जगह को ढूंढेगा. एक बच्चा उसका नाम बोलेगा और दूसरा उसमें से उस जगह को ढूंढ के दिखाएगा. द पर्सन हु फाइंड्स इट फर्स्ट इज द विनर, और जो उनमें दोनों में से पहले ढूंढेगा वो विनर होगा. सम इंडोर गेम्स कैन नॉट बी प्लेड एट होम, कुछ इंडोर गेम ऐसे होते हैं जो घर में नहीं खेले जा सकते. दे रिक्वायर बिगर कवर्ड प्लेस, सच गेम्स आर बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस एटसेट्रा. कुछ ऐसे गेम होते हैं जिनके लिए घर के अंदर भी बहुत थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, जैसे टेबल टेनिस, उसके लिए भी काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है. उसको हम अंदर खेल सकते हैं बट उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए. सम अदर मीन्स टू हैव फन, मीन्स मीन्स साधन, मतलब फन, हैव फन मीन्स हमारे मनोरंजन के कुछ और साधन कौन से हैं. देर आर सेवरल अदर मीन्स टू रिफ्रेश माइंड एंड हैव फन, हमारे पास हमारे दिमाग को फ्रेश करने के लिए और भी बहुत सारे साधन होते हैं गेम के अलावा, जैसे वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी देखना इज़ ऑल्सो ए गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना. मोस्ट चिल्ड्रन वॉच कार्टून शोज ऑन टेलीविज़न, ज़्यादातर बच्चे जो हैं टीवी में कार्टून शो देखते हैं. सम ऑफ द पॉपुलर टीवी चैनल फॉर चिल्ड्रन आर हंगामा, जेटिक्स, डिज्नी, पोगो एट्सेट्रा. ये कुछ कार्टून चैनल हैं जो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको बच्चे देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग. आर्ट मीन्स ड्राइंग वगैरह बनाना, क्राफ्ट मीन्स जैसे कुछ भी क्राफ्ट की चीज़ें बनाना, कोई भी हैंडमेड, पेंटिंग करना, स्कल्पचरिंग एट्सेट्रा टू रिलैक्स देयर माइंड्स. और कुछ, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट, क्राफ्ट और पेंटिंग, इन चीज़ों से अपने दिमाग को फ्रेश करते हैं, उनको इन चीज़ों का बहुत शौक होता है. सम चिल्ड्रन एन्जॉय वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलों के चैनल देखते हैं, जिसमें खेल आते हैं पूरा दिन. और ज्योग्राफिकल चैनल, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफिकल चैनल देखते हैं. ज्योग्राफिकल चैनल मीन्स जिसमें
ज्योग्राफी के मतलब कि भूगोल के बारे में सब कुछ आता है। रीडिंग कॉमिक्स, कुछ बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं और मैगजीन, कुछ मैगजीन पढ़ते हैं। इज ऑल्सो ए मीन्स फॉर रिक्रिएशन, वो अपने मनोरंजन के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और रिफ्रेशमेंट ऑफ माइंड, अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए। तो सबका अपना 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 अलग अलग शौक होता है। किसी को कोई गेम पसंद होता है, किसी को कोई गेम पसंद होता है। यही हमारे दिमाग को फ्रेश करने का एक अच्छा आइडिया होता है। थैंक यू। मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम EVS की वर्कशीट करेंगे। डेट है 28 मई 2020। चैप्टर 4, गेम्स वी प्ले, वो खेल जो हम खेलते हैं उनके बारे में ये वर्कशीट है। क्वेश्चन 1, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा रखा है। ये जो लेटर है इनको मैंने उल्टा सीधा दे रखा है, इनको आपको सही करके लिखना है ताकि वो ब्लैंक्स में फिल होके सही सेंटेंस बन जाए। जैसे ये फर्स्ट वाले में मैंने इसको क्या किया है, CRICKET, इसको सही करके क्रिकेट बनाया। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। अब नेक्स्ट करेंगे फुटबॉल इज़ एन, अब ये देखिए लेटर उल्टे पुल्टे, इनसे क्या बनेगा, आउटडोर, OUT, आउट DOOR, आउटडोर। नेक्स्ट OPOG, ये क्या बनेगा, इसको सही करेंगे, डैश इज ए कार्टून चैनल। ये कौन सा कार्टून चैनल होता है, पोगो, PPOGO, पोगो। DLOU, इसको सही करेंगे तो LUDO, लूडो इज एन इंडोर गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाई आर गेम्स गुड फॉर अस, गेम्स हमारे लिए क्यों अच्छे होते हैं। गेम्स आर गुड फॉर अस बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन अवर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, दे कीप अस एक्टिव एंड फिट। गेम्स हमारे लिए अच्छे होते हैं क्योंकि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं और वो हमें चुस्त दुरुस्त रखते हैं। वट आर आउटडोर गेम्स, नेम सम ऑफ देम। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, कुछ के नाम बताइए। द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द होम आर कॉल्ड आउटसाइड गेम्स, जो गेम घर के बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं। सम आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल एट्सेट्रा। नेम सम ट्रेडिशनल आउटडोर गेम्स, कुछ पारंपरिक आउटडोर गेम्स के नाम बताइए। सम ट्रेडिशनल आउटडोर गेम्स आर गुल्ली डंडा, लंगड़ी टांग, खो खो एंड होप स्कॉच, जो पहले से खेले आ रहे हैं। वट आर इंडोर गेम्स, नेम सम ऑफ देम। इंडोर गेम्स क्या होते हैं, कुछ के नाम बताइए। द गेम्स विच आर प्लेड इन साइड द होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। सम इंडोर गेम्स आर, जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं जैसे लूडो, कैरम, स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी जो होती है, चेस, शतरंज जो होता है, ये सब। क्वेश्चन 5, वाई शुड वी नॉट प्ले वीडियो गेम्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, हमें वीडियो गेम को लंबे टाइम तक क्यों नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले वीडियो गेम्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज दे इफेक्ट अवर आई साइट, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक अगर वीडियो गेम खेलेंगे तो हमारी आँखों पर ये नुकसान डालेंगे। क्वेश्चन 6, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है। इट इज़ एन आउटडोर गेम, इनमें से आउटडोर गेम्स कौन सा है, चेस, क्रिकेट या लूडो। आउटडोर मतलब बाहर खेलने वाला, यानी क्रिकेट। इट इज़ एन इंडोर गेम, इंडोर गेम यानी घर के अंदर वाला कौन सा है, कैरम है, फुटबॉल है या हॉकी है। सही ऑप्शन है कैरम, क्योंकि ये दोनों आउटडोर गेम है। दीज गेम्स आर नॉट गुड फॉर आवर आइज़ इफ़ प्लेड फॉर लॉन्ग, इनमें से कौन सा गेम ऐसा है जिसको हम लंबे टाइम तक खेलेंगे तो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाएगा, इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स या वीडियो गेम्स। सही ऑप्शन है वीडियो गेम्स, इसके ज़्यादा यूज़ से हमारी आँखें वीक हो जाती हैं। इट इज़ ए गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, इनमें से मनोरंजन का कौन सा सबसे अच्छा साधन है, वॉचिंग टीवी या रीडिंग मैगजीन या बोथ ऑफ दीज। मतलब वॉचिंग टीवी देखने से और मैगजीन पढ़ने से, दोनों से हमारा मनोरंजन होता है, बोथ ऑफ दीज। इट इज़ ए फेवरेट आउटडोर गेम ऑफ बॉयज़, लड़कों का फेवरेट गेम कौन सा है इसमें, बास्केटबॉल या क्रिकेट या टेनिस। क्रिकेट, ज़्यादातर लड़के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। फिलअप्स, गेम्स की पज, गेम्स हमें क्या रखते हैं, हेल्दी, HELTHY एंड फिट, FIT, फिट। इन समर चिल्ड्रन इन्जॉय, गर्मियों में बच्चे किस चीज़ का आनंद लेते हैं,
स्विमिंग तैराकी का, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी। वीडियो गेम इज एन, वीडियो गेम आउटडोर गेम या इंडोर गेम है, इंडोर क्योंकि ये घर के अंदर खेला जाता है। वॉचिंग टी वी इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ रेक्रिएशन, आर ई सी आर ई ए टी आई ओ एन। ट्रेडिशनल गेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ट्रेडिशनल पारंपरिक खेल को हम क्या और बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, फोक गेम्स, एफ ओ एल के, इसमें एल साइलेंट है। लुक एट द बॉक्स एंड पुट द गेम्स इन देयर प्रॉपर कॉलम, ये बॉक्स देखिए इसमें इंडोर और आउटडोर गेम्स को मिक्स करके लिखा है, इसमें से छाट के आपको कॉलम ए में आउटडोर गेम लिखने हैं और कॉलम बी में इंडोर गेम लिखने हैं। कैरम सबसे पहले है, कैरम, कैरम कौन सा गेम है, इंडोर, तो इसको इंडोर वाले बॉक्स में लिख देंगे। क्रिकेट आउटडोर है तो आउटडोर वाले बॉक्स में लिख देंगे। लूडो इंडोर है। नेक्स्ट टेनिस आउटडोर है। चेस इंडोर। खो खो आउटडोर। कार्ड्स इंडोर। स्नेक्स एंड लैडर्स भी इंडोर, स्नेक्स एंड लैडर्स सांप सीढ़ी जो होती है। बैडमिंटन और बास्केटबॉल ये दोनों क्या हैं, आउटडोर। ये सब आपको अच्छे से लिखना है पूरे चैप्टर को और इसको याद भी करना है। थैंक यू।